चलो चल हट तो तेरा घर में सोहर ला। अरे भैंस चोर विवाद। अरे जूम करो जूम करो जूम करो। सोहर पावर से होला और ताकत से होला। पैसा छापने का मौका विवाद आते ही मैं आ गया पैसा छापने। ओह कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं। सोहर बजाओ हो रहा तो बजाओ सोहर बजाओ। देखिए अगर झगड़ा करना होता है तो मोबाइल नंबर उनके पास है। सही बात, दोनों के पास मोबाइल नंबर, इनका मोबाइल नंबर उसके पास। अगर नहीं होता तो घर पता है। सही बात, घर पता है, हर एक चीज पता है। जो कहते हैं कि हमारा गाना ट्रेंडिंग में है तो हमारा गाना ट्रेंडिंग में, क्या यूट्यूब पर जो है इससे ज्यादा व्यूज दूसरे हिंदी गाने को दूसरे गाने में नहीं जाता है क्या? ये लोग कहते हैं कि हमारा गाना ट्रेंडिंग में तो ट्रेंडिंग में इतना छरपटा रहा है लोग, लेकिन मिलियन में देखे किसी का? वही तो हम कह रहे हैं। अरे हिंदी गाना एक बॉलीवुड आता है और करोड़ में गाना चला जाता है, लेकिन इन लोगों का गाना चार दिन पांच दिन दो दिन में करोड़ में जाता है गाना। नहीं बिल्कुल जाता है। बादशाह का गाना देखिएगा, उनका गाना भी आता है ना तो तुरंत से मिलियन, एक घंटा में एक मिलियन क्रॉस हो जाता है गाना। लेकिन वो कभी बादशाह लाइव आकर के कहे हैं कि हमारा गाना जो है आज मिलियन क्रॉस हो गया? कभी बादशाह लाइव आके नहीं गए होंगे। शर्म किनको लगना चाहिए कि मान कर 200 मिलियन मैच चला गया, हम बोल दिए कि हम जो है ट्रेनिंग में, तो शर्म तो हम ही को लगना चाहिए कि भाई 200 ही मिलियन गया, लेकिन कोई अगला है जो 500 मिलियन वही ना, तो ये चीज तो होना ही, वो चला जाएगा। आप जाते जाते जो भोजपुरी में खेसारी भैया पवन भैया ये लोग बड़े बड़े और आपस में ही लड़ते हैं, इन लोगों को आप क्या समझते? बुरा नहीं, आपको समझाने की जरूरत है क्योंकि आप इतना बोल देते हैं, उन लोगों को इतना समझ में नहीं आता है कि हम लोग जो आपस में लड़ते हैं। देखिए वैसे जो है सब तो अपना ही है, भोजपुरी हो या मैथिली हो, हम मैथिली को ही लिए बोलते तो ये भी एक जाति ये हो जाता, लेकिन वो भी अपना ही है, ऐसा बात नहीं है। तो उनके लिए भी हम तो बहुत उन लोगों के आगे तो हम बोल भी नहीं सकते, नहीं इतना बड़े हैं, बड़े भी समझते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बड़े समझते हैं तो इसका फायदा तो नहीं उठा लीजिएगा। वही चीज हो रहा है, वो लोग कहते हैं कि हम ही स्टार है बहुत बड़ा। गलत है बिल्कुल गलत है। कोई भी बोल रहा है कि हम ये स्टार है, हमसे ही है जो मतलब ये सिंगर चल रहा है या ये चल रहा है, या हमसे ही मेरा नाम, हम ही जो है नाम बड़ा किया है भोजपुरी का हो या मिथिलांचल का, आदमी कोई बोलेगा, कोई सब बोलते हैं। मेरे मिथिलांचल में भी कोई बोल देता है कि अरे जब हम आए हैं तो तभी मिथिलांचल का जो है मतलब इस तरह का है और मिथिलांचल का हम स्टार है, गलत बोलते हैं। अभी जो जिस तरीके से जो ये लोग कहते हैं भोजपुरी को ऊपर तक भी ले गए और ईरान बबुआन और ये लोग स्टेज शो पे आके वो उसको गाली दे देते हैं उसको, इससे पहले जो भी सिंगर थे मनोज तिवारी हो गए बड़े बड़े, जो भी इससे पहले रवि किशन हो गए, क्या इन लोगों के समय में इस तरीके का होता था? नहीं होता। अभी ये लोग जब भोजपुरी को ऊंचा ले गया तो फिर इस तरीके का क्यों कंडीशन देखने को मिलता है? मिलता है, कैसे हम समझे कि भोजपुरी ऊपर गया है? सोच गलत हो गया सबका ना, सबका ये सोचे कि भोजपुरी ऊपर है, लेकिन हकीकत में ऊपर वो है ही नहीं भोजपुरी। अगर ऊपर रहता तो इस तरीके से गाली गलौज जो चलता ही नहीं। जी, ये लोग इसीलिए कंट्रोवर्सी करते हैं कि गाना हमारा चले, जो भी अभी 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 कंट्रोवर्सी चल रहा है सोहर वाला कि वो 9 महीने पे हम सोहर का थे पवन सिंह का तो गवा ले अपने घर में सोहर, कोई गाना इसी पे पवन सिंह गा देंगे तो गाना जो है दंदाना जाएंगे। देखिए अगर झगड़ा करना होता है तो मोबाइल नंबर उनके पास है। सही बात, दोनों के पास मोबाइल नंबर, इनका मोबाइल नंबर उसके पास। अगर नहीं होता तो घर पता है। सही बात, घर पता है, हर एक चीज पता है। तो ये चीज स्टेज पे क्यों, हम स्टेज पे ही क्यों होता है? ये कहते हैं भोजपुरी का जितने भी अगर मान रखिये पवन सिंह जी का हो या खेसारी जी का हो, इन लोगों का जो प्रोग्राम जो बुक करते हैं ना वो आदमी अपने प्रोग्राम को हिट कराने के लिए इन लोगों को प्रोग्राम पैसा लेते हैं, प्रोग्राम करना चाहिए, कहीं झगड़ा नहीं है स्टेज पे, क्योंकि किसी का पैसा लिए है उसका प्रोग्राम है, उसका सिर्फ हम सिंगिंग कर सकते हैं, वहाँ पे अपना कला दिखा सकते हैं, उस समय झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हमको तो ये लगता है कि अपने से खुद पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, अगला से क्या करते हैं जी, बस वही चीज आप झगड़ा करेंगे ताकि जो भी गाना है चलने लगे। कहे की भोजपुरी का हम ये कर दिया, हमारा गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोई ऐसा माइक आवाज नहीं, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर झगड़ा करना होता तो हम डायरेक्ट गरियाएंगे ना अपने, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, वो बोलता तू ऐसा क्यों बोल रहा है, बस इस तरह हो जाता। लेकिन ये क्यों, क्यों पब्लिक को दिखाएंगे?
तो ठीक है आप नाइट वाला भी वीडियो बना के पब्लिक को दिखाइए, वही चीजें रह गया, उसमें इसमें कोई अंतर ही नहीं रहा। नहीं रहा, सही बात है। देखिए ये एक कल अगर आप दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ समझने की जरूरत यह है कि ये लोग मंच पे ही आके क्यों ऐसे बोलते हैं। अगर इन लोगों का झगड़ा है तो पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ये लोग दिखाते हैं। अब कोई जो है जातिवाद में बट जाते हैं, कोई सिंह के तरफ आ जाते हैं तो कोई खेसारी लाल के तरफ आ जाते हैं, तो इस तरीके से ये लोग जातिवाद में खुद ही बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता यहाँ गलत, जनता नहीं, जनता को सोचने की जरूरत है कि अलग वो लोग जो है कंट्रोवर्सी करते अपने फायदे।